अब बात कर लें गूगल एड की, यानी अब तक जो मैं बता रहा था इसके ये सारी चीजें जो थी वो ऑर्गेनिक थी, यानी आपको खुद से काम करना है और खुद से काम करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस ऑनर हैं बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सीखें देखें या चीजों को मैनेज करें, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि आप खुद से करें, इसके लिए आपको टाइम नहीं है, तो आप क्या गूगल में एड चला सकते हैं। जी हाँ, आप गूगल में एड चला सकते हैं। उसके लिए क्या है, उसके बारे में अगर आपको सिर्फ जानना हो कि गूगल में ऐड चला चला के अपनी बिजनेस करनी है तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप ये जान सकते हैं कि गूगल में ऐड किस तरीके से होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने बिजनेस को आप गूगल में ऐड कर चला सकते हैं, उनके अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, एनालाइज किस तरह से करेंगे। पीपीसी कंपेन, पीपीसी कंपेन का मतलब होता है पर यस, इसमें जो पीपीसी कैंपेन जो होते हैं वो कैंपेन के जैसे जब भी कोई आप उसमें क्लिक करेंगे इस तरह से पीपी व्यू पे बहुत सारी चीज होती है कि उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो बैलेंस कट जाता है, तो इस तरह का सेटअप किस तरीके से किया जाता है, कैसे होगा, इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। गूगल अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ पे जो राइट जो सिलेक्शन होता है कैंपेन का वो कौन सा है, इस तरह से डिटरमाइन के बिड्स एंड बजट कैसे सेट करेंगे, टारगेटेड ऑडियंस किस तरह का सेट किया जा सकता है, एडवांस कैंपेन सेटिंग कैसे की जाएंगे, किस तरह कीवर्ड्स की जो प्रॉफिटेबल जो कीवर्ड से रिसर्च है चूज करना है वो कैसे करेंगे, और एड किस तरीके से लिखेंगे ताकि कस्टमर को जो अटेंशन कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब कर सके, कस्टमर के जो तवज्जो को मबजूल कर सके अपनी चीजों की तरफ। इस तरह से गूगल एनालिटिक्स से, यानी अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इन सारी चीजों करने के बाद आप ये जान सकते हैं कि किस तरह कितने विजिटर कहाँ से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आपको पता चलेगा। हाँ, इस कोर्स के अंदर ये आप जान सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स कैसे काम करता है, नहीं करता है, किस टाइप से होता है और कैसे क्यों ये चीजें की जाए, तो इन सारी चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, गूगल के एनालिटिक्स के बारे में रिसर्च करने में, रिसोर्सेज के बारे में, उसका अकाउंट सेटअप करने में, ट्रैकिंग के बारे में, इस तरह से कोई अगर इंटरनल ट्रैफिक है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई फिल्टर ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर सकते हैं, नेविगेटिंग गूगल एनालिटिक्स से ऐड करना चाह रहे हैं, रिपोर्टिंग टूल्स लेना के बारे में जान सकते हैं, इसके बाद रियल टाइम रिपोर्ट के बारे में जान सकते हैं कि अब इस टाइम कितने कस्टमर्स आता है नहीं आता, इन सारी चीजों के बारे में आप इस कोर्स के अंदर जान सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, कॉन्फ़िगरेशन गोल, आपके को जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप गूगल को आप उससे क्या करेंगे और कैसे अपने गोल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इस तरह से गूगल एडवर्ड को कैसे आप इसमें लिंक करेंगे, कोई अगर स्पैमिंग ट्रैफिक है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, अगर मल्टीपल आपके गूगल अकाउंट है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कस्टम आप अलर्ट्स कैसे सेट कर सकते हैं।